अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल आयत क्रिएटिव लॉग्स। आज मैं आप लोगों को मटन का सालन रेसिपी दिखा रही हूँ और ये रेसिपी बहुत आसानी से है। अगर आप बैचलर्स हैं या तो आपको कुकिंग नहीं आता तो ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगा और इजी मेथड है। आप लोग भी ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई करिए। चलिए मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं प्रेशर कुकर ले ली हूँ और इसमें 3 टेबल स्पून ऑयल डाल दी हूँ। देखिए, इसके बाद में मैं यहाँ पे स्पाइसेस ले रही हूँ। इसके लिए 3 लौंग, 1 इलायची, दालचीनी छोटा सा और 1/2 टीस्पून साजीरा डाल रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज़ प्याज को चॉप करके रख ली थी मैंने और इसी को भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे मैं इसी को, जो प्याज डाल दी हूँ उसी को मैं लाइट ब्राउन होने तक पका लूँगी, यानी 3 मिनट इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन होने तक मैं इसे पका दूँगी। देखिए इस तरह से। इसके बाद में मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल रही हूँ और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे 400 ग्राम मटन ले ली हूँ। इसे मैं साफ़ धोकर रख लिया था। इस मटन को इस प्रेशर कुकर में डाल देते हैं और 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के बाद देखिए ये कलर चेंज हो गया है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टीस्पून मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा 1/4 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और जो मिर्ची नमक को हम 5 मिनट तक ऐसे ही भून लेते हैं। देखिए इस तरह से भून लेना है। और इसी के अंदर मैं 1 मीडियम साइज़ कटा हुआ टमाटर को डाल दूंगी, बारीक कटा हुआ था। ये टमाटर को डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और 2 से 3 मिनट तक इसे लगातार मिक्स करते ही रही है। 2 से 3 मिनट के बाद में टमाटर इस गोश्त के अंदर अच्छा से घल गया है। अब फिर एक बार मिक्स कर लूँगी। उसके बाद में मैं यहाँ पे 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ। अगर आप ग्रेवी कम खाते तो थोड़ा कम डाल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब के बराबर 1 ग्लास का पानी गाढ़ा शेरवा निकलेगा। और मैं 5 विजिल्स रख दूंगी। 5 विजिल्स के बाद में गोश अच्छे से गल गया है। देखिए गोश अच्छे से मज़े का बन गया है। और इसी के अंदर मैं 1/2 टीस्पून मटन मसाला डाल रही हूँ और थोड़ी सी कोथमीर को कट करके रख लिया था वो भी इसमें डाल दूंगी और 2 मिनट पका दूंगी। पकाने के बाद मैं इस प्रेशर कुकर को स्टोव ऑफ़ कर देंगे। बस इतना ही सिंपल है, आसानी रेसिपी है मटन करी। आप भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा, बहुत मज़े का है ये रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।